तो आज का वीडियो में यहाँ पर बात करेंगे एक ये छोटा सा सर्किट के बारे में जो कि यूट्यूब पे अभी काफी सारा हो सकता है कि आप देखे भी होंगे इस तरीका से कि यहाँ पर आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर तीन कंपोनेंट यहाँ पर यानी इनकी एक डायोड एक रजिस्टर और दो एलईडी मिला करके जो कि सर्किट को यहाँ पर कंप्लीट किया गया है। तो इसमें क्या है ना कि ये जो है कि ये काम करता है 3.71 लिथियम बैटरी को चार्ज करने के लिए। तो क्या है मतलब ये किस तरीका से काम करता है शायद यहाँ पर वीडियो में आपको क्लियर नहीं बताया गया है। इस वीडियो में आपको जो कि बिल्कुल भी क्लियर बताएंगे ये किस तरीका से ये चेंज ओवर करता है, क्या इसका काम है, क्या मतलब ये चार्जिंग इंडिकेट बताता है या फिर बैटरी इंडिकेट बताता है या फिर हम लोग को फुल का इंडिकेट देता है, क्या इंडिकेट देता है, टोटल चीज यहाँ पर अच्छे तरीके से इसको समझेंगे, इसको बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये सर्किट है यहाँ पर बिल्कुल भी कम्प्लीट जो की हमने पहले ही आपको दिखा दिया है। अब चलिए थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता दें कि ये जो सर्किट है यहाँ पर किस तरीका से काम करेगा, ठीक है, या फिर करता है, और क्या मतलब इससे हम लोग जो है कि बैटरी को यहाँ पर चार्ज कर सकते भी है या फिर नहीं, और चार्ज करना कैसा रहेगा, क्या ये इंडिकेट देगा। तो सबसे पहला तो आपको यहाँ पर बता दें ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो डायोड लगा हुआ है, ठीक है, एन चार्जर साथ लगा हुआ है, एक रजिस्टर यहाँ पर जो है 1K का रजिस्टर है और दो यहाँ पर एलईडी है। एलईडी का इस एलईडी का कलर है यहाँ पर ग्रीन एलईडी है और ये जो है कि रेड है, ठीक है। तो अभी क्या है ना कि इस डायोड का सिल्वर पट्टी आप देख सकते हैं इस साइड में है, डायोड का सिल्वर पट्टी इस साइड में है यानी कि जिस साइड में डायोड का सिल्वर पट्टी है ये जो है कि ग्रीन है और जिस साइड में ब्लैक पट्टी है ये जो है कि रेड है। ये चीज आपको समझ में आ गया। अब चलिए हमको करना क्या है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग को जो है ना कि इसमें जो है कि सप्लाई देना है। तो सप्लाई देने के बाद यहाँ पर देखते हैं कि क्या मतलब यहाँ पर जो इंडिकेट करेगा वो क्या है। तो ये रहा मेरे पास मोबाइल का चार्जर जो कि इसी से हम इसको सप्लाई देंगे, ठीक है। इसको हम डायरेक्ट लगा देते हैं अपने बोर्ड में, तो इसको बोर्ड में ही लगाया है, एक बार आपको दिखाना चाहेंगे, ठीक है, आप देख सकते हैं इसको हमने बोर्ड में ही लगाया है। तो अब चलिए हम इसको इस तरीके से यहाँ पर कर लेते हैं। तो ये रहा इसका, तो यहाँ पर पहले वोल्टेज आपको चेक कराएंगे यहाँ पर मेरा वोल्टेज कितना आ रहा है, क्योंकि जो भी यहाँ पर हम आपको बताएंगे जो भी आपको समझाएंगे बिल्कुल भी यहाँ पर आपको क्लियर यहाँ पर आपको दिखाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर हमने मीटर को ऑन किया और ये रहा इसका मीटर का प्रोब, तो ये रहा मेरा नेगेटिव और ये रहा पॉजिटिव। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर 5 पॉइंट इस तरीका से यानी कि 5 वोल्ट ही मान के चलिए, ठीक है, मोबाइल का चार्जर से आ रहा है 5 वोल्ट यहाँ पर मान के चलिए। तो चलिए इसको हम हटाते हैं और इसको करते हैं ऑफ, इसको करते हैं साइड में। अभी हमको करना क्या है, इसमें यहाँ पर सप्लाई देना होता है, तो सप्लाई यहाँ पर जो है कि ये 5 वोल्ट देना होता है, तो 5 वोल्ट आपको कहाँ पर देना पड़ेगा, इसका ये जो पॉजिटिव है वो डायरेक्ट यहाँ पर आता है इस वाले पॉइंट पे, और जो नेगेटिव है इसका ये रजिस्टर के पॉइंट पे आता है, और जो इसका आउटपुट निकलता है वो कहाँ से निकलता है, तो इसका नेगेटिव यहीं से आउटपुट निकलता है और डायोड का जो सिल्वर पट्टी है इस यहाँ से इसका जो है कि आउटपुट निकलता है। तो चलिए इसको चेक करते हैं, उसके बाद जो है कि वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, यहाँ पर सारा कुछ आपको डिटेल में समझाएंगे किस तरीके से यह काम कर रहा है, क्या मतलब सही है भी या नहीं है, क्या है नहीं है टोटल चीज। तो चलिए अभी हम क्या करते हैं इसको इस तरीके से यहाँ पर इसको पहले हम सोल्ड कर लेते हैं, ठीक है। चलिए ये इसका नेगेटिव हो गया और एक बचा इसका पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इस साइड से हम कर लेते हैं। चलिए ये इसका पॉजिटिव हो गया, तो जैसे ही हमने यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ पर कनेक्ट किया तो आप देख सकते हैं कि रेड लाइट यहाँ पर जलना शुरू हो चुका है, ये जल रहा है फुल ब्राइटनेस में, तो अभी तो ये लाइट जल रहा है। तो अभी चलिए यहाँ पर बैटरी कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि बैटरी कनेक्ट करने के बाद क्या मतलब इसका रिजल्ट रहता है, क्या है नहीं है टोटल चीज यहाँ पर। तो हम यहाँ पर चलिए दो बैटरी ले रहे हैं, ये आप देख सकते हैं दोनों मेरे पास लिथियम बैटरी है, ये पुराना पड़ा हुआ था। तो सबसे पहले इन दोनों बैटरी का आपको चार्ज यहाँ पर चेक करके दिखाएंगे कि किस बैटरी में कितना चार्ज है। तो चार्ज चेक कराने के लिए थोड़ा सा दोस्तों हम यहाँ पर ऊपर करेंगे और चलिए यहाँ पर मल्टीमीटर रखते हैं, नीचे ही रख देते हैं, आपको दिखेगा यहाँ पर, आपको दिख रहा होगा उम्मीद है। अभी हम पहले एक एक करके बैटरी का यहाँ पर चार्जिंग आपको चेक कराएंगे। तो ये चलिए ये रहा इसका नेगेटिव और ये रहा इसका पॉजिटिव, यहाँ पर देखिए 2 पॉइंट कुछ इस तरीका से यहाँ पर चार्ज है, लेकिन ये 2 पॉइंट अगर बोला जाना दोस्तों तो ये ना के बराबर है। क्यों आपको हम यहाँ पर बताते हैं, क्योंकि मान लीजिए कि ये कोई भी वायर से इसमें हम
शॉर्ट लगाते हैं तो कोई भी शॉर्ट यहाँ पर स्पार्किंग नहीं होगा, ठीक है आप देख सकते हैं ना के बराबर। थोड़ा देर इसमें रखेंगे तो जो भी बचा कुचा है वो भी यहाँ पर ये खत्म हो जाएगा, जितना भी अब तक ये हीट हो जाता है, अगर वाकई में रहता है इसमें तो हीट हो जाता, क्योंकि ऑटोमेटिक पता नहीं कैसे ये चार्ज होते रहता है। तो चलिए मैं फिर से यहाँ पर चेक करते हैं, अभी देखिए चार्ज इसका डाउन हो चुका है, ये देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे जो इंक्रीज हो रहा है, एक एक पॉइंट करके इंक्रीज हो रहा है, जो भी है चलिए हटाइए। ये वाला ये बैटरी था आप देख सकते हैं, और मेरे पास एक ये है, तो अभी इसका भी आपको चेक कराते हैं, तो इसका आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए 3.96, यानी कि मान के चलिए कि ये बैटरी जो है कि फुल चार्ज है, और ये वाकई में यहाँ पर फुल चार्ज है। आपको चलिए यहाँ पर प्रूफ के साथ यहाँ पर दिखाएंगे, ये मेरे पास एक लाइट है, तो यहाँ पर चलिए कोई भी एक वायर इधर उधर करके हम पकड़ लेते हैं, और ये देखिए लाइट जो है कि ये जल चुका है, ये बैटरी चार्ज है, और जिसको अभी हमने यहाँ पर दिखाया, चलिए इसका भी एक बार यहाँ पर पकड़ लेते हैं, और अभी देखिए इसमें जो है कि ये नहीं जल रहा, आपको लग रहा है कि हम फेंका नहीं रहे, पकड़ नहीं रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, हमने पका हुआ है अच्छे तरीका से, नहीं जल रहा है, ठीक है। तो ये चीज हमने दिखाने का मतलब ये है मेरा कि ये बैटरी मेरा फुल डिस्चार्ज है और ये बैटरी मेरा चार्ज है, सिर्फ दिखाने का मतलब यही है। चलिए अब इसको यहाँ से हम ऑफ करते हैं, इसको करते हैं साइड। अभी हमको करना क्या है, चलिए एक यहाँ पर एक ये बैटरी पैक ले लेते हैं, ये होल्डर है जो भी है, और जो मेरा डिस्चार्ज बैटरी है, ये मेरा डिस्चार्ज है, इसको इसमें हम लगा देते हैं। चलिए ये इसका पॉजिटिव हो गया, ये इसका नेगेटिव हो गया, तो इसमें हम डायरेक्ट इसको पहले सोल्ड कर लेते हैं, इस तरीके से इसको सोल्डिंग कर लेते हैं, जोड़ने के बाद तभी जो है कि यहाँ पर समझ में आएगा कि क्या मतलब किस तरीके से काम करेगा। चलिए तो इसका नेगेटिव हो गया और पॉजिटिव हम यहाँ पर लगाएंगे, तो लगाने से यहाँ पर क्या होगा ना कि ये बैटरी फुल डिस्चार्ज है, तो यहाँ पर चलिए लगाते हैं। यहाँ पर लगाया तो डायोड जो है यहाँ पर लोड नहीं लेगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि ये डायोड जो है कि इतना एम्पियर नहीं है, देखिए ये डायोड में से जो है कि धुआं निकलना शुरू हो गया, आप देख सकते हैं, अब ध्यान से देखिएगा तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा, डायोड के अंदर से जो है कि धुआं निकलना शुरू हो जाएगा, आप देख सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर सोल्डिंग नहीं किया दोस्तों, हमको यहाँ पर पता था, ये देखिएगा, ये देखिए आप देख सकते हैं डायोड में से जो है कि धुआं निकलना शुरू हो चुका है, आपको दिख रहा होगा शायद, आपको फिर भी यहाँ पर अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो समझाने के लिए क्या करेंगे, एक थोड़ा सा हम यहाँ पर पेस्ट लेंगे, और पेस्ट लेने के बाद हम यहाँ पर जो है कि लगा देते हैं। अभी देखिए ये पेस्ट जो है कि तुरंत भरा पिघल चुका है, आप समझ सकते हैं कितना गर्म हो गया है, यानी कि ये डायोड जो है कि दोस्तों यहाँ पर अगर इसको वाकई में पूरा फुल डाउन से चार्ज कीजिएगा, वैसे चार्जिंग फुल पे कीजिएगा तो ये इतना हीटिंग नहीं होगा, लेकिन जब डाउन रहेगा तो यहाँ पे एम्पियर लेगा, ये बैटरी जब एम्पियर लेगा तो एम्पियर लेने से क्या है ना कि ये डायोड का एम्पियर कम होता है इसके हिसाब से, तो यहाँ पर क्या है कि इस डायोड का एम्पियर जो है कि बढ़ाना होगा, यानी कि डायोड आपको चेंज करना होगा, ये तो यहाँ पे क्लियर हो गया। अभी चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ पे इसमें लगा करके, और सबसे पहले इंडिकेटर का बात करें तो यहाँ पे कोई भी इंडिकेटर यहाँ पे चेंज नहीं होने वाला है दोस्तों, ठीक है, कोई भी इंडिकेटर आपको यहाँ पर चेंज नहीं होगा, किस तरीके से चेंज होगा वो अभी आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। चलिए इस बैटरी को हम यहाँ पर हटा लेते हैं, और थोड़ा सा इसको हम नीचे के साइड में करते हैं ताकि आपको यहाँ पर दिखना चाहिए ये सर्किट, इस बैटरी को हमने निकाल दिया, और ये जो मेरा फुल चार्ज जो बैटरी है, जो मेरा फुल चार्ज है, उसको हम यहाँ पर अभी लगाते हैं, ठीक है। चलिए इसको हमने लगा दिया, अभी इसका पॉजिटिव हम यहाँ पर लगाते हैं और देखते हैं कि क्या होता है, ये देखिए इसका पॉजिटिव जैसे ही लगाया तो ये लाइट जो है कि यहाँ पर ये बंद हो रहा है, ठीक है, सॉरी दोस्तों यहाँ पर थोड़ा मेरे से मिस्टेक हो गया, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये इसका पॉजिटिव था तो हमने यहाँ पर उल्टा लगा दिया, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, जो भी आपके सामने होगा, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मेरे से, चलिए अभी इसमें लगाते हैं और देखते हैं कि क्या होता है, तो अभी तो यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर ये फुल चार्ज था तो यहाँ पर इंडिकेटर तो चेंज होना चाहिए, यहाँ पर ग्रीन होना चाहिए, लेकिन ये ग्रीन नहीं हो रहा है। अब चलिए ये सर्किट काम किस तरीका से कर रहा है, यानी कि जब ग्रीन हो नहीं रहा है तो ये काम किस तरीका से कर रहा है, तो हम क्या करते हैं कि इसका जो यहाँ से ये केबल हमने यहाँ से निकाल लिया है, ये लाइट यहाँ पर बंद हो चुका है, अब हम इसमें लगाते हैं, अभी देखिए ये ग्रीन जल रहा है, यानी कि इसमें जब पावर देते हैं दोस्तों तो ये क्या होगा कि रेड जलेगा, और जब ये बैटरी का रिटर्निंग लाइन जब यहाँ पर आएगा तो इसमें ग्रीन जलेगा। अब जैसे कि मान लीजिए इसको हमने इस तरीके से लगा दिया, चलिए इसको सोल्डिंग कर देते हैं, तब आपको यहाँ पे क्लियर समझ में आएगा,
इसको इस तरीका से यहाँ पर इसको जोड़ देते हैं। चलिए इसको हमने आपस में अटैच कर दिया है, तभी एक ग्रीन यहाँ पर जल रहा है। अब चलिए इसको लगाते हैं, आप यहाँ पर देखिएगा अभी होगा क्या, आप देखिएगा ये जो है कि इस तरीका से यहाँ पर चेंज ओवर कर जाएगा। ये लगाते हैं इसको, ये देखिए यहाँ पर जैसे ही हमने लगाया यहाँ पर क्या हुआ कि ये ग्रीन बंद हो गया और रेड यहाँ पर चालू हो गया। ठीक है, ग्रीन जो है कि यहाँ पर बंद हो चुका है, रेड चालू हो चुका है। चलिए यहाँ पर फिर से जो है कि ये चार्जर को निकालते हैं, चार्जर हमने निकाल दिया। अभी देखिए यहाँ पर क्या होगा, फिर से यहाँ पर ग्रीन हो चुका है। यानी कि अगर आप ये चीज सोच रहे हैं कि ये बैटरी फुल चार्ज होएगा तो ये चार्जर लगल भर में ऑटोमेटिक जो है कि ग्रीन होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये नहीं होने वाला है। ये सिर्फ एक डायोड के थ्रू यहाँ पर बैटरी जो है कि यहाँ पर चार्ज हो रहा है और कुछ भी यहाँ पर नहीं है। अब अगर ये चेंज ओवर का बात करें तो ये चेंज ओवर किस तरीका से कर रहा है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए ना, तो इस पॉइंट में यानी कि जो नेगेटिव जो चार्जर के थ्रू यहाँ पर आ रहा है नेगेटिव, तो ये नेगेटिव इस तरफ से भी पास कर रहा है एलईडी से होते हुए, इस साइड में एलईडी से पास होते हुए। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये जो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव इसको यहाँ से मिल रहा है, और यहाँ से पॉजिटिव अगर आप ये सोच रहे हैं कि पॉजिटिव अगर यहाँ से जा रहा है, इस एलईडी को जलना चाहिए, यानी कि नियम का मुताबिक दोस्तों। चलिए यहाँ पर आपको क्लियर यहाँ पर समझाने का कोशिश करेंगे, इसको पहले हम हटाते हैं। चलिए इसको हमने हटा दिया और इसको भी यहाँ से हम हटा लेते हैं। चलिए बैटरी को पूरा हमने क्लियर हटा लिया है। अभी हम क्या करते हैं, इसमें जो है कि सप्लाई देते हैं। ठीक है, चलिए सप्लाई दे दिया। और अभी हम क्या करेंगे, मेरा जो पावर सप्लाई है इसको समझाने के लिए सिर्फ आप पता कर रहे हैं दोस्तों, ये मेरा पावर सप्लाई है, तो पावर सप्लाई से हम यहाँ पर दे रहे हैं इसको सप्लाई। तो कहाँ पर देंगे, ये इसका रहा पॉजिटिव और ये रहा इसका नेगेटिव जो इसका रजिस्टर पे आ रहा। चलिए तभी हमने यहाँ पर कितना वोल्ट दिया है वो चीज आपको यहाँ पर दिखना चाहिए दोस्तों, तो दिखने के लिए यहाँ पर ये मीटर का हम यूज करेंगे। चलिए यहाँ पर इसका नेगेटिव में हम नेगेटिव लगा देते हैं इसका प्रोब, ताकि आप लोग को यहाँ पर दिखे और आपको जो कि समझ में आए कि इस तरीका से करने से क्या होगा और क्या नहीं होगा। चलिए तभी देख सकते हैं यहाँ पर ये 4 पॉइंट इतना वोल्ट आ रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि बैटरी का ये चार्जिंग यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा। अब चलिए और भी इसको हम बढ़ाते हैं, ठीक है, जो भी आपके सामने है। अब देखिए हल्का सा जो है कि लाइट यहाँ पर जला है, ग्रीन लाइट जला। चलिए और भी बढ़ाते हैं, अब देखिए यहाँ पर रेड लाइट बंद हो चुका है और ग्रीन जल रहा है। अब पता है ऐसा क्यों हो रहा है, अब देखिए जैसे ही कम किया फिर से जो है कि रेड लाइट चालू हो गया, और जैसे ही इसको बढ़ाएंगे अब इसको बंद हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में अगर थोड़ा सा आपको जानकारी है दोस्तों तो हमको जरूर से बताइएगा। ठीक है, कम बेसी करने पे इस तरीके से काम कर रहा है, तो ये चीज हम चाहें दोस्तों तो बता देंगे, लेकिन आपके ऊपर हम ये चीज छोड़ रहे हैं, कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये चीज आप जो सोच रहे हैं ऑटो कट, ये ऑटो कट नहीं है। ठीक है, ये ऑटो कट बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। अगर मान लीजिए कि इसका मात्रा यहाँ पर कम होगा, यानी कि सप्लाई रिटर्निंग इसका ये जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव से अगर रिटर्निंग इसको ये नेगेटिव करेगा तो ये लाइट ऑटोमेटिक बंद होगा। ठीक है, इसको अगर नेगेटिव करता है तो ऑटोमेटिक बंद होगा, यानी कि इसका मात्रा यहाँ से कम हो जाता है और इसका मात्रा यहाँ से बढ़ जाता है, इस तरीका से ये जो है कि काम करता है। तो ये चीज तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया कि ये किस तरीका से काम करेगा। ये जो एक सर्किट है, एक बैटरी को आप चार्ज कर सकते हैं, लेकिन बैटरी में ये क्या बताएगा, सिर्फ यही बताएगा दोस्तों कि ये बैटरी बिल्कुल भी जो एकदम नॉर्मल जो एकदम चार्ज नहीं है बैटरी। ठीक है, जैसा कि मान लीजिए एक बैटरी, कोई सा भी बैटरी हम अगर लेते हैं, चलिए इसको हम पहले यहाँ से निकाल लेते हैं, जैसा कि ये वाला बैटरी अभी इसको हम यहाँ पर लगाएंगे तो ये वाला चार्ज बताएगा और कुछ भी नहीं है, बस यही है। अगर इसको इस साइड में लगाएंगे तो ये देखिए यहाँ पर रेड जलेगा, इस साइड में लगाते हैं तो रेड जलता है, इस साइड में लगाएंगे तो ग्रीन जलेगा। ठीक है, देखिए इस साइड में रेड जलता है क्योंकि ये नेगेटिव जितना इस साइड से इस साइड आ रहा है, नेगेटिव इस साइड भी आ रहा है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आना चाहिए, इस साइड जितना रजिस्टर जितना इसका वैल्यू है रजिस्टर का 1K, तो 1K इस साइड भी दे रहा है। ये तो ये चीज बता दिया, और जिसका मतलब चार्जिंग नहीं रहेगा उसका तो कुछ भी नहीं बताने वाला है, ये चीज क्लियर है। तो बस इस तरीका से ये काम करता है और कुछ भी नहीं है, ये हमने आपको क्लियर किया, समझ में आ गया होगा। हाँ, चार्ज करना चाहे इससे तो चार्ज कर सकते हैं, डायोड आपको चेंज करना पड़ेगा। डायोड यहाँ पर जो है कि कम से कम 3 एम्पीयर का लगा दीजिएगा और इसे चार्ज कीजिएगा, बैटरी चार्ज होगा तो ग्रीन बता देगा, लेकिन कट यहाँ पर कट का सिंबल नहीं है। ऐसा भी मत सोचिए कि बैटरी फुल चार्ज होगा,
तो ऑटोमेटिक ग्रीन हो जाएगा, ऑटोमेटिक ग्रीन नहीं होने वाला है, रेड का रेड ही रहेगा। जैसे ही प्लग यहाँ पर बंद कीजिएगा, पावर बंद कीजिएगा, तब जो है कि आपको यहाँ पर ग्रीन हो जाएगा ये, यानी कि बैटरी चार्ज इसमें कुछ चार्ज आएगा तब भी ये ग्रीन हो जाएगा। ये ऐसा नहीं कि फुल चार्ज होगा तब भी, 1 पॉइंट आ जाए, 2 पॉइंट आ जाए, यहाँ पे पावर इसका कट कीजिएगा, यानी कि यहाँ से ये चार्जर का तब भी जो है कि ग्रीन जल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर समझ में आ गया होगा आपको। चलिए, ये वीडियो थोड़ा सा मैं आपको बताया था इन्फॉर्मेशन के लिए। बाकी वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर से कीजिएगा। जो भाई लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि हर तरीके का वीडियो यहाँ पर लाते रहता है। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।